लड़ने के लिए आता है, हुकूमत के खिलाफ करने की आती है, पुलिस महकमे के मुकाबला करने के लिए आता है, तो जब आप नासिर हुसैन उस्ताद की कयादत को तस्लीम करते हैं, तुम जिस पर तस्लीम करते हो चमचो, तुम्हारी जम्मेले नासिर हुसैन उस्ताद की कयादत को तस्लीम करते हैं। अरे हिसाब दो, बताओ तुम क्या कोशिश करे जी, सूटकेस लेकर फिर रहे हैं। आपकी क्या कोशिश रही है कांग्रेस, आपकी क्या पहल थी, बोलो नासिर हुसैन उस्ताद आपको जो है 10 लाख रुपए मंगाया, 5 लाख रुपए मंगाया, बोलो आप। हारते हुए उसके साथ दिए हम, तुम्हारे नाश शुक्राना मिजाज, शर्म आना तुमको नासिर हुसैन उस्ताद के खिलाफ बात करने के लिए। अरे सलाम कीजिए उन 3 कॉर्पोरेटरों को जो ये जानते हुए कि हमारी हुकूमत नहीं बन रही उसके बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद के साथ थे, उनको 70 लाख रुपए 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया। मेरी जबान मत खुलवाइए, आप MLA आपकी मेजोरिटी रहने के बावजूद आप मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, डिप्टी मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, कारपोरेशन की टिकट लेने के लिए पैसे लेते, बताओ नासिर हुसैन उस्ताद 1 रुपए किसी से मांगा है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। आप हमारे पार्टी के वो लोग हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, आपके बीच में मैं कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन होकर के 1.5 साल में मुझे कितने ऑफर आए। भारतीय जनता पार्टी के ऑफर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या बात है, 4 करोड़ रुपए। नासिर साहब आप बोलिए गुलबर्गा के डेवलपमेंट के लिए आपके कारपोरेटर को, एक कारपोरेटर को 4 करोड़ देंगे, डेवलपमेंट के लिए कितना फंड होना है फंड देंगे। आप सिर्फ जो है एब्सेंट रहिए 4 लोग। अगर मैं अपना मुफाद देखता, अगर मैं इक्तदार में रहना पसंद करता तो 1.5 साल के लिए इतना लंबा अरसा जो है ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होता। परसों तक ये इलेक्शन किसके दरमियान था, भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर वहां पर बैठ के तकरीर देता है, यहां के AICC के सदर के डिस्ट्रिक्ट में हम हराए, तो सवाल नरेंद्र मोदी वर्सेस नासिर हुसैन उस्ताद था, नरेंद्र मोदी की लड़ाई नासिर हुसैन उस्ताद के खिलाफ थी, जिम्मेदारी किसकी थी, AICC के सदर की जिम्मेदारी थी। सवाल किससे पूछना चाहिए, सवाल पूछा जा रहा है, 4 कॉर्पोरेटर्स को साथ में रखे, 4 कॉर्पोरेटर को साथ में रखे। अरे सलाम कीजिए उन 3 कॉर्पोरेटरों को जो ये जानते हुए कि हमारी हुकूमत नहीं बन रही उसके बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद के साथ थे, उनको 70 लाख रुपए 50 लाख रुपए का ऑफर दिया गया, कृष्णा रेड्डी के वालदा को ऑफर दिया गया, वो साजिद कल्याणी को 50 लाख 70 लाख, वो विशाल नवरंग हमारा दलित भाई उसको तो सलाम करना चाहिए। नौवत फोन बोले उसको, नौवत बीजेपी से आया हुआ है, नौवत फोन मुसलसिल तौर पर सुबह से शाम तक उसको पकड़ के गिरफ्त में नहीं रखा मैं, कहीं किडनैप लेके नहीं किया मैं उसको, पता चला कि बीजेपी की बन रही उसके बावजूद कुर्सी के आस में पैसे के आस में नासिर हुसैन उस्ताद को छोड़ के चला नहीं गया। यह है खयादत, यह है कमिटमेंट। एक शख्स चला गया, कब गया वो, इलेक्शन कब डिक्लेयर हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे, कितने ये आपके बीच में इल्म होना चाहिए, अवाम को पता ही है आप, 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे तय हुआ कि स्टे नहीं मिलने वाला है। कौन गए थे स्टे के लिए कोर्ट को, कांग्रेस के जिम्मेदार, कांग्रेस के लीडर्स हाईकोर्ट को अप्रोच किए, इलेक्शन नहीं होगा, हम जो है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए हम जा रहे हैं कोर्ट को 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे, कितना टाइम बचा हमको इलेक्शन करने के लिए, 1.5 दिन। जब हम
पूरे कॉर्पोरेट उसको फोन करे, जब जो है वो अलीम पटेल फोन नहीं उठाया, उनके वालिद को फोन किया मैं कयूम पटेल को, वो मेरे घर को आए, उनसे बात हुई, उन्होंने सख्त नाराजगी बताई कि हम कांग्रेस को किसी सूरत में नहीं करते, नासिर साहब नहीं करना है, 25 साल हम अपनी जिंदगी के कांग्रेस में काम किए हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। उसके बाद में रात में हम बोले वैसा नहीं चलता है, अब हमारे पार्टी के साथ है, अब हमको हमारे पार्टी के साथ ठहरना है, यह हमारा डायरेक्शन है, यह हमारा कमिटमेंट है। उसके बाद में रात में घर पे गए, फिर समझाया, उसके बाद में वो मान गए। दूसरे दिन सुबह में 11:30 बजे फोन आया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, किसी को पकड़ना किसी को छोड़ना यह अलग बात, मगर वक्त भी तो होना ना। जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उन्हें चले गए तो क्या करना, उसको गुंडागर्दी करना? अरे आपके बीच में, आप यहां पर, मेरे साथी हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, आपको बताता हूं, 3 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स भी व्हिप लेने से इनकार किए थे, 3 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर भी सेटल हो गए थे, मैनेज हो गए थे, एम्बुलेंस बाहर ठहरी हुई थी वहां पर। अगर बीजेपी का अगर नहीं बन रहा तो कांग्रेस के 3 लोग हार्ट अटैक हुआ बोल के एडमिट होने वाले थे, इतनी बड़ी प्लानिंग बीजेपी के लोग सूटकेस लेकर दिए हैं अलीम को, शायद लिया होगा, मैं गैर जरूरी किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, उसका एक काम था, फंक्शन हॉल का काम जिसका उसने जिक्र किया, शायद पैसे भी लिया होगा, वो अपने ईमान को बेचने के लिए पैसे भी लिया होगा, सूटकेस लेकर फिर रहे हैं। आपकी क्या कोशिश रही है कांग्रेस, आपकी क्या पहल थी? मुझे बताया गया 2 एमएलसी को साहब ने बात किया है, 2 एमएलसी एबसेंट रहेंगे, कितने एबसेंट रहेंगे? 2 एमएलसी कांग्रेस बीजेपी के एबसेंट रहेंगे, जुगाड़ हो गई है, बात हो गई है, कांग्रेस के कैंडिडेट को, मेयर कैंडिडेट को रात के 12 बजे फाइनल करते आप, किस बुनियाद पे फाइनल करते? एक बीजेपी के कॉर्पोरेटर को एबसेंट रखेगा इस बुनियाद पर आपने फाइनल किया, कहां गया आपका कमिटमेंट? एसीसी के प्रेसिडेंट बने हो तुम, 27 कॉर्पोरेटर है, मैं आपको पूछता हूं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, यह इलेक्शन किसका इलेक्शन है? मेयर का इलेक्शन है ना, मेयर का इलेक्शन है, डिप्टी मेयर का इलेक्शन है, मेयर का इलेक्शन है ना, कौन है कैंडिडेट मेयर का? तो मेयर का इलेक्शन कांग्रेस वाले करना, हम करना? अरे हिसाब दो, बताओ तुम क्या कोशिश करे जी, या तो आओ मीडिया के सामने बोलो, नासिर उस्ताद के साथी 3 साथी, 3 कॉर्पोरेटर्स को 1 रुपया, 1 नया रुपया आपने दिया है, बोलिए आप, बोलो नासिर हुसैन उस्ताद आपको जो है 10 लाख रुपए मंगाया, 5 लाख रुपए मंगाया, बोलो आप, हारते हुए उसका साथ दिए हम, तुम्हारे नाच शुकराना मिजाज, शर्म आना तुमको नासिर हुसैन उस्ताद के खिलाफ बात करने के लिए, नासिर हुसैन उस्ताद को लीडर है नहीं है साबित करने की जरूरत है तुमको, कल तक मेरे पीछे फिरते थे, आज तुम्हारे पीछे फिर रहे हैं। नासिर हुसैन उस्ताद की खयादत 4 कॉर्पोरेटर ने रखा, 4 कॉर्पोरेटर रखने के लिए कमर इस्लाम साहब जब शेर है कर्नाटक का, तुम्हारे मरहूम खावन यस के ग्रुप कौन बनाए, तो कमर इस्लाम साहब लीडर नहीं थे, नहीं छोड़ के गए उनको, यह खेल नया नहीं है, मेयर का इलेक्शन में यह खेल हमेशा खेलते आए हैं, मैं साबित करता हूं आपको, मेरी जबान मत खुलवाइए, आप एमएलए, आपकी मेजॉरिटी रहने के बावजूद आप मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, डिप्टी मेयर बनाने के लिए पैसे लेते, कारपोरेशन की टिकट लेने के लिए पैसे लेते, बताओ नासिर हुसैन उस्ताद 1 रुपए किसी से मांगा है? 1 रुपए, 1 नया पैसा किसी को कारपोरेशन टिकट के लिए? मैं गरीब आदमी हूं, मेरी ताकत से बढ़कर मैं पैसे दिया हूं आप लोगों की, पार्टी का फंड जितना आता है कुमार स्वामी साहब से लड़ के ले आओ, उसके बावजूद जितना फंड आया उससे डबल पैसा मैं अपने जेब से निकल, ये कमिटमेंट मेरा है। नासिर हुसैन उस्ताद जिंदाबाद, खायद जिंदाबाद, खायद जिंदाबाद। आज सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और वो दांत, अभी दांत नहीं चुटाऊंगा, वो लोग हिसाब मुझसे पूछते हैं, मेरी खयादत, मेरी रहनुमाई पे सवाल, मेरे सेक्युलरिज्म के पे
मेरे सेकुलरिज्म के ऊपर सवाल पूछते हो, शर्म आना चाहिए। तुम कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म, कहां गई थी तुम्हारी खयादत? एनआरसी के मामले में कहां गई थी आपकी खयादत? मौलाना वकार रफी साहब ने बताया, एक मरतबा नहीं दो मरतबा एक कमिश्नर ऑफिस में, एक चौक पुलिस स्टेशन के अंदर जब पूछा गया तो जो फैसला नासिर हुसैन उस्ताद करेगा उसके साथ रहने की बात की, मैं आज तक नहीं बोला। जब वक्त लड़ने के लिए आता है, हुकूमत के खिलाफ ठहरने की आती है, पुलिस महकमे के मुकाबला करने के लिए आता है, तो जब आप नासिर हुसैन उस्ताद की खयादत को तस्लीम करते हैं, तुम जिसको तस्लीम करते हो चमचो, तुम्हारी एमएलए नासिर हुसैन उस्ताद की खयादत को तस्लीम करते हो। मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, आपका भाई, आपका ये दोस्त, आपका हमदर्द, मिल्लत का हमदर्द है। एक रुपए भी किसी अंदर रिश्वत नहीं लिया हूं। ये गद्दार हमारे बीच निकला है, एक अलीम पटेल, खयूम पटेल, एक गद्दार निकला, उसकी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानता, गद्दारी उसने की है, मगर एक गद्दार निकला है। तो तीन ऐसे वफादार निकले हैं जो एक दिन पूरा 70 लाख 50 लाख का ऑफर आने के बावजूद नासिर हुसैन उस्ताद का साथ नहीं छोड़ती है। ये जानते हुए कि हमारी मेजोरिटी नहीं आ रही, हम इक्तदार में नहीं आ रहे, उसके बावजूद हमारे साथ फेरे में। एक कॉर्पोरेट हमारा साजिद कल्याणी, एक नौजवान भाई, डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो रहा है, मेयर का इलेक्शन हो रहा है, तो आधा घंटा वहां ठहर के रो रहा है। क्यों रो रहा है? रो इसलिए रहा है कि एक सेक्युलर मेयर नहीं बना, बीजेपी का मेयर, फिरका परस्त मेयर गुलबर्गा के अंदर बना है। ये तकलीफ को लिए ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमको बोलते हैं, तुम तुम्हारे पार्टी के कॉर्पोरेटर्स को रात के 12 बजे तक तुम कन्विंस कर रहे हो, विप पे साइन करो, विप पे साइन करो। डरने की जरूरत नहीं, सीना तान कर सर ऊंचा करके बात करना। जब तक जिंदा हूं इस फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ खड़ा नजर आऊंगा, ये मेरा वायदा है, ये मेरे मरहूम वालिद की तरबियत है। आज आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेस के उन मुसलमानों से पूछता हूं जो मुसलमानों कांग्रेस को आंख बनकर के साथ देते हैं, आंख बनकर के साथ देते हैं, बताइए। वो चंदप्पा मंदप्पा को सब देखेंगे लड़ाई, आज चंदप्पा को सीधा करने की, वो चंदू को डोरेमोन को सीधा करेंगे हम। महबस मस्जिद के बाहर डांस करने वाला, आनंद के अंदर वो जाकर के पूजा करने वाला वो चंदू पाटिल, उसके नारे लगाते हो, उससे गले मिलते हो तुम, तुम्हारे कॉर्पोरेटर्स। बताओ एक ऐसा वाक्य जो मोहतरमा ने बीजेपी के किसी एमएलए के खिलाफ बोला हो। गवाह है यहां मुस्लिम चौक पर, कोविड के दरमियान कांग्रेस के उनके लीडर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गोविंद कारजोल को जब सवाल पूछते हैं तो मिनिस्टर नाराज होकर जाता है, तो आप एमएलए मोहतरमा आप उनके साथ गाड़ी में चले जाते हो, और साहब साहब मिनिस्टर साहब बोलने वाले उनकी क्या नाम बच्चा, अरे शर्म आना, सेक्युलरिज्म का पाठ हमको पढ़ाते तुम, लड़ना कैसे हमको सिखाते तुम, तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उतना सियासी तजुर्बा रखते हैं, सियासी तजुर्बा हम रखते हैं, हमारे कमिटमेंट में कभी सवाल मत पूछिए आप।